आर्यभट्ट प्लेनेटोरियम में सूर्य ग्रहण के मौके पर सनरूप कैमरे से सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक सूर्य ग्रहण देखने के लिए व्यवस्था की गई, जिसमें चश्मा लगाकर साफ सूर्य ग्रहण दिखाई दिया। इस तरह की नक्षत्रशाला की व्यवस्था या तो प्रयागराज में है या सपा सरकार में रामपुर में बनवाई गई थी, जिसमें आर्यभट्ट नक्षत्रशाला में डॉक्टर ए के सिंह वैज्ञानिक के अलावा 4 कर्मचारी और सुरक्षा गार्ड भी तैनात हैं, जबकि साल भर आर्यभट्ट नक्षत्रशाला में अन्य जिलों और अन्य प्रदेशों के स्कूली बच्चे और पर्यटक भी नक्षत्रशाला से आकाशीय मंडल को देखने और इसकी जानकारी लेने यहां विजिट पर रहते हैं। हालांकि अभी तो कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के चलते पिछले कई महीनों से इसे बंद रखा है। जी, आज हमने आर्यभट्ट नक्षत्रशाला में टेलीस्कोप द्वारा सूर्यग्रहण दिखाई दिया, लेकिन बादल के चलते ये बहुत हल्का दिखाई दिया, लेकिन ठीक ठाक दिखाई दिया। मशीन वगैरह लगा रखी थी और इसका प्रभाव लगभग सुबह 9 बजे से 3:30 बजे तक रहेगा। हम सुबह 9 बजे से इसको टेलीस्कोप द्वारा लगा के उसको देख रहे थे, लेकिन प्रॉपरली इसको मौसम की वजह से दिखाई ठीक नहीं पड़ रहा।